जमात इस्लामी हिंद ब्यावर तथा सद्भाव मंच ब्यावर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को होटल विक्रांत में मीडिया कर्मियों तथा प्रबुद्ध जनों के साथ एक ईद मिलन स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद नाजमुद्दीन तथा विशिष्ट अतिथि जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश सचिव डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी थे। सद्भाव मंच सदस्य डॉक्टर जावेद हुसैन ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए बताया कि जमात इस्लामी पूरे देश में तथा सद्भाव मंच ब्यावर शहरी क्षेत्र में पिछले कई सालों से देशवासियों और शहरवासियों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव, संभाव तथा प्रेम व भाईचारा कायम रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कार्य के लिए जमात तथा सद्भाव मंच ब्यावर को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया से संबंधित सभी मीडिया कर्मियों, पत्रकारों तथा प्रबुद्ध जनों का सदैव सकारात्मक सहयोग प्राप्त होता रहा है। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ब्यावर शहर के सभी मीडिया कर्मियों, पत्रकार बंधुओं तथा प्रबुद्ध जनों के साथ यह ईद मिलन स्नेह भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने सभी आगंतुकों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तथा पत्रकारों पर भारी दबाव महसूस किया जा रहा है। पत्रकारों तथा मीडिया को सच्चाई बताने व सच को उजागर करने से रोका जा रहा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का आवश्यक स्तंभ है, अतः लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्ची पत्रकारिता को बाकी रखना अति आवश्यक है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि मोहम्मद नाजमुद्दीन ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज के माहौल में देशवासियों के बीच सद्भाव व भाईचारा कायम रखने के लिए प्रत्येक जिला स्तर तथा बड़े शहरों में सद्भाव कमेटियों तथा सद्भाव मंच कायम करने की सख्त जरूरत है। सद्भाव मंच ब्यावर के संयोजक रमेश यादव ने कहा कि सद्भाव मंच ब्यावर पिछले 30 वर्षों से ब्यावर क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से ब्यावर में पिछले कई सालों से सांप्रदायिक तनाव की घटना नहीं हो रही है और उसकी इस कार्य के लिए कौमी एकता के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रशंसा की गई है। उन्होंने इसके लिए सभी ब्यावरवासियों को मुबारकबाद पेश की। कार्यक्रम को अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पादरी प्रेम प्रकाश, फादर फ्रांसिस, सुनील लोयल, डॉक्टर अरविंद माथुर, अरविंद लाल, डॉक्टर रविंद्र छाबड़ा, अशोक सेन, शशिकांत, विश्वास गुजराती, कल्पना भटनागर, डॉक्टर अंजना राठी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, मदन मोहन मोदी, प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, कर्नल सलीम काठात, पप्पू काठात, अचमत काठात, बशीर खान, महबूब खान, इरफान खान, अनिस अहमद, एडवोकेट विनोद खाटपा तथा जनमानस के रहीम खान आदि गणमान्य प्रबुद्ध जन शामिल थे।